हम लोग अभी आसनसोल स्टेशन जा रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए। जयचंडी पहाड़ जाना है, वहाँ से ट्रेन है 10:15 में। जाओ 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 जाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कुछ बच्चे मेरे साथ चिनाकुड़ी से निकले थे और कुछ बच्चे नियामतपुर और कुछ सीतारामपुर से डायरेक्ट ही स्टेशन पर आ गए, और फिर हम लोग एक साथ जयचंडी पहाड़ के लिए ट्रेन में बैठ गए। आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और कुछ टेंशन में भी कि पता नहीं वहाँ का दिन कैसा जाएगा। लोग जयचंडी पहाड़ पहुंच गए, उसके बाद सर का कॉल आ गया कि जल्दी आओ, वरना हमने प्लान किया था कि पैदल ही जाएंगे। और फिर ऑटो से हम लोग जल्द से जल्द पहुंच गए। आप देख सकते हैं कैंप एरिया, हम लोग ही लेट थे, बाकी सब कोई पहले ही पहुंच चुके थे। तो फिर से लाइन कर टीम बनाया गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग तुरंत ही निकल गए क्लाइंबिंग एरिया में, जहां पर बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद सभी ने क्लाइंब करना शुरू किया। आज पहला दिन है जहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे आए हुए हैं जो रॉक क्लाइंबिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी पहला दिन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ क्लाइंबिंग कर रहे हैं। सभी के सभी बच्चे जो हैं वो इंस्ट्रक्टर की बात अच्छे से सुन रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से हो रही है। सभी को सुबह में 4:30 बजे तक उठकर फ्रेश व्रेश हो जाना पड़ता है, क्योंकि 5:40 का टाइमिंग दिया गया हुआ है। 5:40 में सभी को रनिंग के लिए निकलते हैं और ग्राउंड में सभी को 5:40 से लेकर करीब करीब 7 बजे तक हर दिन एक्सरसाइज करते हैं। ज़्यादा टाइट है, सोने से लेकर उठने तक और ट्रेनिंग से लेकर खाने तक सभी का टाइमिंग बहुत ही मेंटेन किया जाता है। दूसरे ही दिन कैंप के आधे बच्चे जोगी ढाल को टॉप करने के लिए निकल गए। सभी को इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी दी गई और उसके बाद जोगी ढाल के लिए सभी को निकल गए। यह एडवेंचर का टीम और अभी हम लोग चले हैं चोटी पर चढ़ने के लिए। हम लोग का कैंपिंग स्टार्ट हो चुका है 25 से 28 तारीख तक। हम लोग जयचंडी पहाड़ में हैं। एक्चुअली ज़्यादा वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एडवेंचर की टीम को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो बड़ा मुश्किल हो जा रहा है वीडियो बनाना, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना सकूँ और जितना हो सकता है उतना बता सकूँ। सभी के लिए ये है कि साल में एक बार ज़रूर से ज़रूर रॉक क्लाइंबिंग आए, कोई भी क्लब से आए लेकिन आए, और अगर आप रूप तपस से आ सकते हैं तो आए, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा आपको।
हम लोग को अंडा मिला है बहुत सारा। ए दिखाओ अंडा ना दिखाओ, और ये देखिए अंडा हम लोग को इधर जंगल में मिल गया है। अब क्या करेंगे इसका, कौन बोलेगा कुछ करे? और खाना भी होगा, ठीक है प्लान बनाते हैं, ऑमलेट बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है रख दो अभी। का हम लोग अभी इस तरीके से कुछ मिट्टी का लेप लगाकर उसको पकाने वाले हैं। सबने लगा लिया है लगभग, है ना? सबका हो गया? अगर बोलो इधर हो गया, गुड, ठीक है। अंडे के ऊपर अच्छे से मिट्टी का लेप लगाकर उसे पकाया गया और फिर सभी बच्चों को खिलाया गया। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ किया। करीब करीब कैंप के आधे बच्चे चोटी पर चढ़ चुके। जितना मुश्किल चोटी पर चढ़ना था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल चोटी से उतरना बन गया सभी के लिए। देख सकते हैं कि चेन वाइज हम लोग एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर टू पॉइंट्स पर उतर रहे हैं। तीसरे दिन की शुरुआत में एडवेंचर टीम को भी लेकर जाया गया सुबह जॉगिंग के लिए और एक्सरसाइज करवाया गया। आज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज आखिरी दिन है, आज रैपलिंग कर रहे हैं सभी को। रॉक क्लाइंबिंग में रैपलिंग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, सभी को इसका वेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि रैपलिंग के दौरान बहुत सारे इक्विपमेंट्स को यूज में लाया जाता है। रैपलिंग इसलिए भी इजी और मज़ेदार हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं और बच्चों का डर जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो रैपलिंग के दौरान बच्चे इसको पूरी तरीके से इंजॉय कर पाते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे ये सोचते हैं कि पता नहीं उनसे ये होगा या नहीं होगा, लेकिन जब रैपलिंग करने के बाद वो नीचे पॉइंट पर पहुंचते हैं उसके बाद वो दोबारा करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चों को दोबारा मौका मिलता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे लाइन में लगे हुए रहते हैं और हमारे पास टाइमिंग बहुत कम रहती है। तो एक ही बार बच्चों को नीचे रैपलिंग करने का मौका मिलता है। आज कैंप फायर है तो कैंप फायर में परफॉर्म करने के लिए बच्चों ने एक फाइटिंग का सीक्वेंस सीखा। अंत में वो वक्त आ गया जिसका इंतज़ार बेसब्री से सभी बच्चे कर रहे थे।
ऐसा है कि ये जो वक्त है ये एक तरह से अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि कैंप फायर में सभी को बहुत मस्ती करते हैं और दो दिन से इस पल का इंतज़ार करते हैं, और बुरा इसलिए है क्योंकि इसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और फिर अगले दिन सब अपने अपने घर चले जाएंगे। बावजूद इसके सभी ने कैंप फायर के दिन काफ़ी मस्ती की, बहुत सारे परफॉर्मेंस हुए, डांस, पोएम, कुछ पिरामिड्स, कुछ योगा, इस तरीके से बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए गए बच्चों के द्वारा, और सभी के सभी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे और ज़बरदस्त थे। आज 28 तारीख है और दोपहर तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अभी बच्चों को मंदिर पर लेकर जाया जा रहा है और वहाँ पहुँचाकर बच्चों को जयचंडी के बारे में बताया जाएगा, जयचंडी के इतिहास के बारे में बताया जाएगा। बेसिकली ये जो प्रोग्राम होता है ये रात को किया जाता है 10 बजे या 12 या 1 या सुबह के 3 बजे, पर किसी कारण से बच्चों को रात को नहीं लेकर जा पाए इसलिए सुबह में उन लोगों को लेकर जाया जा रहा है। अभी देख सकते हैं सभी बच्चे सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ने के बाद उन्हें इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। सभी बच्चे ऊपर मंदिर तक पहुंच गए हैं और सभी को लाइन वाइज बैठा कर जयचंडी के इतिहास के बारे में बताया जाएगा, और इसके बाद सभी बच्चों को मंदिर के पहाड़ के पीछे के रास्ते से उतारा जाएगा। आप देख सकते हैं मंदिर के पीछे से सभी बच्चे लाइन से उतर रहे हैं और वापस बेस कैंप जा रहे हैं। कैंप वापस आने के बाद सभी बच्चों का एग्ज़ाम लिया गया। बच्चे काफ़ी नर्वस थे क्योंकि इतने दिन उन्होंने पहाड़ तो चढ़ लिया, मज़ा भी आ गया, और अब एग्ज़ाम देना पड़ रहा है वो भी रिटर्न में। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बच्चों को लेकर जाया गया और उनको
जूमरिंग दिखाया गया कि कैसे असेंडिंग करते हैं, डिसेंडिंग उन्होंने देख लिया और रोप के द्वारा असेंडिंग कैसे किया जाता है, जूमरिंग कैसे किया जाता है, उसका एक छोटा सा डेमो दिया गया बच्चों को, ताकि वो फ्यूचर में जब एडवांस का कोर्स करेंगे तो उनके पास थोड़ा सा नॉलेज हो और फिर वो अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को कर पाए। आखिरकार सभी बच्चों को सर्टिफिकेट दे दिया गया और कैंप को एंड किया गया और इसके बाद सभी बच्चे स्टेशन की ओर निकल गए और वहां से सभी बच्चे अपने अपने घर पहुंच गए।